दोस्तों, आज फिर हाजिर हुआ हूँ मैं मेरे चैनल एवी लैब डेवलपमेंट सर्विस पे। मैं आज आपको बताता हूँ कि कॉटन ऑयल का हम कलर कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैंने एक अभी रिसर्च किया जिसमें आपको बताता हूँ। देखिए, मैं आपको कॉटन ऑयल दिखाता हूँ। ये देखिए आप कॉटन ऑयल। अब मैं इसको फिल्टर करूंगा, ठीक है, मतलब इसका कलर निकालूंगा। आप देख सकते हैं कॉटन ऑयल को, ठीक है। इसके लिए मैं ये ट्यूब लेता हूँ, ठीक है। इस ट्यूब में मैंने कॉटन का सैंपल लिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें मैं 4 ml में ये सॉल्यूशन डालूंगा। ये देखिए 12 ml प्लस 4 ml ये सॉल्यूशन डाला, ठीक है। अब मैं इसको रेमी वाटर को घुमाऊंगा। मैं इस सैंपल को 5 मिनट के लिए घुमाऊंगा। मैं यहाँ पे टैली सेट करता हूँ। 5 मिनट के लिए मैं इसको चालू कर दिया। ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा जब मैं इसको निकाल दूंगा। मैं अब इसमें से वो ट्यूब निकालता हूँ। ये मैंने ट्यूब निकाल दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्यूब में ये नीचे नीचे जम गया है और अपना ऑयल फिल्टर ऊपर आ गया है, ठीक है। अब मैं इस ऑयल फिल्टर ऑयल को बीकर में ट्रांसफर करूंगा। डालता हूँ, आप देख सकते हैं ऑयल का कलर कैसे चेंज हुआ है। अभी ये येलो में आ गया है, जब आपने देखा था तो ये ब्लैक इसमें था। आप ये देखिए ऑयल हो चुका है, आपको अंतर भी नजर आएगा। इस सैंपल को देखिए, इस सैंपल को देखिए। चलिए मैं आपको इसको धूप में दिखाता हूँ तो और ये अच्छा समझ में आएगा आपके। पर कैमरे में तो काला काला लग रहा है। ये देखिए बिफोर जो क्रूड ऑयल है कॉटन का, आप देख सकते हैं इसका कितना कलर है। और ये देखिए आफ्टर ट्रीटमेंट येलो कलर में सही नहीं आ रहा इसमें कैमरे में सही, ठीक है। फिल्टर वाले का और इसका कलर बताता हूँ आपको। ये फिल्टर ऑयल ले रहा हूँ मैं, जो मैंने ट्रीटमेंट देके किया। आपको इसमें कलर दिखाई दे रहा है कैसा कलर है, पहले से बहुत ही वो हो गया, ठीक है। अब मैं ओरिजिनल सैंपल का लेता हूँ। आप देखिए दोनों सैंपल को आप देख सकते हैं, दोनों में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। यह बिफोर ट्रीटमेंट, ये आफ्टर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के बाद में
इसका आप देख सकते हैं कलर कितना चेंज हुआ है, और इसमें ओरिजिनल सैंपल के कैसा था मेरे पास में। तो दोस्तों हम कलर को ट्रू गोल्ड में हम कलर को चेंज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग ट्रीटमेंट के थ्रू। ठीक है, एनी कोई प्रॉब्लम हो प्लीज हेल्प मी। थैंक यू सो मच।